नमस्कार सब मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ पे हैं। धन्यवाद आप लोगों ने आज इस इवेंट में हिस्सा लिया। मैं दोस्तों इन्वायरमेंट के जो भी इवेंट होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देने वाले होते हैं। आप जितना जितनी चीज़ें जितना इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहे हैं उनके बारे में जब बात करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, जितने भी सर्वे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, एकदम से इंसान घबरा जाता है। तो बहुत ही मायूसी सी हो जाती है और समझ नहीं आता कि क्या करें। हम आज सबसे पहले तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस इवेंट को वैसा नहीं बनाएंगे। वी विल कीप इट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कांट डू, वी कांट डू। ये एक बहुत ही जाना माना तथ्य है कि पूरे जो जो ब्रह्मांड है उसमें जो धरती है वो एक छोटा सा बिंदु है। उसका कोई मतलब इट्स अ स्पेक। उसमें हम लोग क्या है, बिंदु हैं कि क्या है, वी डोंट नो। हम लोग उसमें वी डोंट मतलब सैटेलाइट इमेज से तो हम दिखते भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इतनी लार्जर देन लाइफ लगती है, तो अक्सर आपको निराश कर देती है, निरुत्साहित कर देती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अमेज़ॉन में करोड़ों ट्रीज जल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सूखे से तमिलनाडु में लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या प्लास्टिक सी में बढ़ता जा रहा है। हर दिन सुन के मैं तो बहुत डर जाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो इतना ज़्यादा पैनिक होने, और इंसान की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, करियर को लेके, काम को लेके, फैमिली को, और थोड़ा सा अगर इश्क का कोई मामला हो तो उसको। अब उसमें एनवायरनमेंट भी इतना बड़ा इश्यू हो तो कैसे कैसे चीज़ों से डील किया जाए, इज़ अ वेरी बिग यू नो। सो आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू थैंक जो मेरे गुरु हैं, जो ईशा फाउंडेशन में जो मेरे दोस्त हैं, वॉलंटियर्स हैं जितने भी, उन्होंने आज तक दुविधाओं की कम और समाधान की ज़्यादा बातें की है। तो हम समाधान पे ही फोकस करेंगे आज, हम क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। सो लार्जली आई वुड से कि ये जो कमिंग टू दिस फॉर्मेट, दोस्तों ये जो फॉर्मेट है पेड़ लगाना और एक टेरेन को रिवाइटलाइज करना या चेंज द फेस ऑफ अ लैंडस्केप, ये कई जगहों पे यूटिलाइज किया गया होगा। आपने देखा होगा पीछे जैसे एक ब्राज़ीलियन कपल हैं जिन्होंने 15 साल में एक रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बना दिया, सिर्फ दो लोगों ने मिलकर। बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो रहा था। फिर एक शख्स हैं आसाम से जिन्होंने अकेले 40 सालों तक हर दिन एक ट्री लगाया और बहुत बड़ा एक 40 सालों में जंगल जो है वहाँ पे ग्रो किया।